गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम जूही टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हेयर टू टीच यू EVS क्लास 4th। EVS में हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द एनिमल्स दैट कैरी लोड्स आर नोन एज हार्ड वर्किंग एनिमल्स। जो एनिमल्स लोड्स कैरी करते हैं उसे क्या हम बोलते हैं? हार्ड वर्किंग एनिमल्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो बीट्स ऑफ बर्डन करते हैं, नॉट हार्ड वर्किंग, तो रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट है, अ बस इज रन बाय अ मोटर। बस जो है रन चलती है मोटर के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट सही है। बसेस आर स्लोअर देन टांगास। बसेस जो है टांगा से बहुत स्लो चलती है, ये गलत है स्टेटमेंट, इस पर क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है आपका डैश वर फाइटेड इन सिंपल कार्ड्स, तो व्हील्स आएगा, व्हील्स वर फिटेड इन सिंपल कार्ड्स। तो नेक्स्ट है, द एनिमल्स यूज्ड टू कैरी लोड्स आर कॉल्ड बीट्स ऑफ बर्डन। नेक्स्ट टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन कौन से एनिमल्स नहीं है? तो वो है आपके जेब्रा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज यूज्ड टू पुल कार्ड्स? हॉर्स। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड राइट। ऑब्जर्व राइट में थ्री बीट्स ऑफ बर्डन एनिमल्स के नाम लिखने हैं आपको, कैमल, हॉर्स और ऑक्स। नेक्स्ट आप करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाट इज अ हाउस हॉर्स शूज क्या है? हॉर्स शूज क्या है? तो हॉर्स शूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द हूप्स ऑफ द हॉर्स। हॉर्स शूज वो होता है जो आपके जो घोड़े के जो नीचे पैर होते हैं उनके जो अंदर वाले तह वो होते हैं तलहटी, उस पर उसको कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। व्हाट इज द यूज ऑफ हॉर्स शूज? इसमें पूछा गया है कि यूज क्या है उसका। तो वाइल गोइंग टू हाई माउंटेन ट्रेल्स हॉर्सेस टू डू नॉट स्लिप टू ड्यू टू हॉर्स शूज। हॉर्स शूज के कारण क्या होता है कि अगर वो हैवी माउंटेन रेंज में चढ़ते हैं, मतलब हिली एरिया में ऊपर की तरफ चढ़ाव करते हैं, तो वो उनका जो पैर है वो स्लिप ना हो, इस तरीके से होता है ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हॉर्सेज हैव टू रन ऑन रफ रोड्स, अन ईवन सरफेस एक्सेट्रा। उनको रफ रोड्स और एक सरफेस एरियाज पे ना भागना होता है, चलना होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी होती है उनके लिए हॉर्स शूज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। राइट द स्टेप्स शोइंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनिमल्स। आपको एनिमल्स के टुवर्ड्स जो सेंसिटिविटी है उसको आपको बताना है। तो फर्स्ट दो पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? एनिमल्स शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, वाटर एंड शेल्टर। एनिमल्स को अच्छा सा खाना देना चाहिए, प्रॉपर खाना होना चाहिए, पानी रेगुलर टाइम पे देना चाहिए, और शेल्टर जहाँ वो रह रहे हैं वो एरिया भी क्लीन होना चाहिए। डू नॉट फोर्स देम टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी है उनमें उतना ही काम करना दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर डू पीपल यूज़ बीस्ट ऑफ बर्डन? कहाँ यूज़ करते हैं? पीपल यूजेस बीस्ट ऑफ बर्डन इन द रीजन्स दैट लैक मॉडर्न रोड्स। सच रीजन्स इंक्लूड डेजर्ट एंड माउंटेन। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हील्स। व्हील की इम्पॉर्टेंट क्या है? द व्हील इज एवरीवेयर इन ऑल अवर कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, मशीन्स, वैगन्स एंड मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बस एंड टांगा। बस और टांगा में डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बस का फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ बस इज रन बाय अ मोटर एंड नीड्स फ्यूल, और टांगा इज पुल्ड बाय अ हॉर्स। अ बस जो बस है कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, और अ टांगा कैन नॉट कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एट अ टाइम। जो बस है वो ज़्यादा डिस्टेंसेज कवर कर सकते हैं, पर टांगा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेज नहीं कवर कर सकता। बस सेव्स अवर टाइम एज इट रन्स फास्ट। बस जो है हमारा टाइम भी बचा लेता है वो, क्योंकि फास्ट चलती है, और टांगा इज स्लो मूविंग व्हीकल, वो बहुत ही धीरे चलने वाला व्हीकल है। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आप अपने नोटबुक में करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी अपनी नोटबुक में करेंगे।